ये है एसएमपी झारखंड और आप देख रहे हैं एसएमपी न्यूज झारखंड, हकीकत है तो दिखेगा। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। खबरों में क्या है आज खास, देखिए एसएमपी न्यूज के साथ। मर्डर करने के लिए बोला क्या बोलता है, उसका मर्डर। इस खबर में चार खबरों को आप देखेंगे। पहला खबर, चेकिंग के दौरान पुलिस से बहस करना पड़ गया, महंगा अपने गलती के चलते पहुंच गए थाने। तो वही दूसरी खबर देखेंगे, मोबाइल छीनकर भाग रहा अपराधी, चढ़ा पुलिस और पब्लिक के हत्थे, स्कूटी छोड़कर मोबाइल लेकर हुआ फरार, स्कूटी को पुलिस ने की अपने कब्जे में। तो वही तीसरी खबर देखेंगे, नशे में धुत चार पहिए वाहन चालक ने खड़ी दो गाड़ी को मारा टक्कर, व्यक्ति हुआ जख्मी, बाइक भी क्षतिग्रस्त, लेकिन पब्लिक ने पकड़ा, पुलिस के किया हवाले। खबरों की खबर में देखेंगे, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह एक सप्ताह के लिए फिर बढ़ा दिया गया, इस पर और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कहा, देखेंगे खबर को अंत में। आइए देखते हैं खबर को विस्तार से। अभी आपने कुछ तस्वीरों को देखा, पुलिस और पब्लिक के बीच तूतू मैमे आजकल आम बात हो गया है, चाहे वो मास्क चेकिंग को लेकर हो या हेलमेट चेकिंग को लेकर हो। हम लगातार इन खबरों से आपको अवगत कराते आ रहे हैं, लेकिन शायद कहीं कुछ जगहों पे तूतू मैमे होकर मामला शांत भी हो जाता है, लेकिन शायद कुछ नसीब वाले नहीं होते हैं, वो हवालात का सफर भी करते हैं। इसमें एक व्यक्ति को पुलिस से उलझना पड़ गया महंगा, चेकिंग के दौरान पीछे बैठे व्यक्ति ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, जब पुलिस ने रोका तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है, हमारे जो पीछे बैठे हैं व्यक्ति, उनका आप फाइन काट लीजिए, जो फाइन होता है, जो चलान होता है, आप काट दीजिए। लेकिन पुलिसकर्मियों का कहना है आप ओरिजिनल लाइसेंस लाइए, जबकि उनके पास ओरिजिनल लाइसेंस नहीं था। जब ओरिजिनल लाइसेंस नहीं है तो उस पीरियड में आपकी गाड़ी जब्त की जा सकती है, यह खबर से आपको हम पहले भी अवगत करा चुके हैं। उनका कहना है हम गाड़ी जब्त नहीं करेंगे, आप फाइन काटिए, लेकिन ओरिजिनल लाइसेंस नहीं है तो आपका गाड़ी जब्त किया जाएगा, यदि ओरिजिनल लाइसेंस है तो ओरिजिनल लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा और गाड़ी आपका छोड़ दिया जाएगा। लेकिन उनके पास हार्ड कॉपी ओरिजिनल लाइसेंस नहीं था, मोबाइल में दिखा रहे थे, जो कि मान्य नहीं है, क्योंकि लाइसेंस जब्त करना है, मोबाइल जब्त नहीं करना है। फिर उसके बाद वाहन चालक के पिता को फोन किया गया, तब तक मामला काफी उलझ चुका था, काफी अधिकारी मौके पे पहुंच चुके थे, कोतवाली थाना के अधिकारी थे, सुखदेव नगर थाना के अधिकारी पहुंच चुके थे, और वहीं गोंदा यातायात थाना प्रभारी मौके पर पहुंच चुके थे। मामले को शांत कराने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि उस समय उनके पिता वहां पहुंच चुके थे लाइसेंस लेकर, जबकि वह लाइसेंस वाहन चालक का नहीं था, जैसा कि पुलिसकर्मियों ने बताया, जो ड्राइव कर रहे थे उनका लाइसेंस नहीं था। फिर भी उनके पिता की बातों को, उनकी मजबूरियों को पुलिसकर्मियों ने समझा और उनके व्यवहार के चलते उनको फाइन काट कर छोड़ने की प्रक्रिया चल ही रही थी, तब तक उनके साथ कुछ संख्या में लोग वहां पहुंचे हुए थे। बात बढ़ते गई, ऐसी क्या बात हुई जिसके चलते एकाएक माहौल बिगड़ गया, फिर भी मामला क्या हुआ, क्या कहा पुलिसकर्मियों ने, आइए समझते हैं क्या बातें चल रही है यहाँ पे, क्यों मामला बिगड़ा। लाइसेंस के लिए इतना आपको समय मिलेगा, दो मिनट रुकी आ रहा हूँ पापा लेके लाइसेंस, हम तो एक घंटा से रुके हैं, एक घंटा हो गया, डेढ़ घंटा, गाड़ी ले जाने के लिए सब आदमी 10 आदमी आए हैं, लड़ने को तैयार है। उस टाइम नहीं ना बुलाते सर, पापा को, पापा को बुलाएं, लाइसेंस का व्हाट्सएप में दिखा रहे, देखिए व्हाट्सएप, यही वाला ओरिजिनल दिखा रहे, ओरिजिनल आपको लाइसेंस जब्त होगा, ओरिजिनल ओरिजिनल ला दे रहे हैं, अब क्या मोबाइल में दिखा रहे हैं, चिन्ह कर रहे हैं, तो जो हमको धारा है गाड़ी पे उसको हम दिखा देंगे, मरवा भी बात है, बोली भी है, हुए को बात बोली है ना, यही बात है, लाइसेंस बताएंगे।
लाइसेंस अभी किसको दिए? लाइसेंस दिए है ना सर? लाइसेंस फोटो दिखा के मत। लाइसेंस जल्दी कर दो ना। क्या समझ देखिए, एक आदमी ने हेलमेट पहना हुआ था, एक आदमी सही बताओ जिसका मौत होगा उसको तो होना ही ना होगा। कुछ नहीं, आप लोग को हम सुन लिया, ले जाइए बैठा के थाने पेश की। अब हम क्या करेंगे उसको? हम लोग करेंगे, हम लिख के देंगे। ज्यादा गर्मी हो गया है, हम किधर हैं? किधर साइन करेगा उसका मदर क्लियर? तुम्हें से ज्यादा हुआ पार्टी में, हम लोग बोल कर तुमको क्या सोच रहा है? नहीं नहीं सर, मैंने बोला है ना, किसी को कुछ नहीं बोले हैं। मैं बोला था ना, कसम खुद आज ईदगाह बोल रहे, आज तक किसी को नहीं बोले कि क्या बोलता है लोग फाइन कटेगा उसका मदर मर्डर करने के लिए बोला। तो अभी आपने तस्वीरों को देखा, क्योंकि हम लगातार कहते आ रहे हैं कि यदि आप पुलिस से उलझेंगे तो आपको पड़ सकता है महंगा, वो दिखा भी। यदि आप गलती कर दिए हैं तो शांति से रहें, जब शांति से काम निकल जाएगा तो बाहुबली बनने की क्या आवश्यकता है। ऐसी तस्वीरें हमने कई बार देखा है कि शांति से भी लोग अपने काम निकाल लेते हैं और चुपचाप निकल भी जाते हैं। और यदि इतना ही पुलिस से टेंशन है, किचकिच से दूर रहना है, तो कम से कम आप हेलमेट और मास्क जरूर पहने। हमें उम्मीद है कि आपको खासकर पुलिस वाले परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हम इन खबरों पे लगातार नजरें बनाए रखते हैं। तो हमारे समझ में जो बातें आती हैं वो हम आप तक लेकर आते हैं। फिर भी यही कहेंगे, माने ना माने आपकी मर्जी। सर, विदाउट हेलमेट वाला जो पकड़ा गया था उसका क्या कहानी था और किसके नाम से गाड़ी था? अभी तक तो गाड़ी किसके नाम से ये तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन सूचना मिली थी क्या कि पिलियन राइडर जो एक थे वो विदाउट हेलमेट थे, वो फाइन नहीं कटा रहे थे ना लाइसेंस दिखला रहे थे। नियमानुकूल आकर के मैंने उसका गाड़ी को सीज करके ले गया थाना। अब उसका क्या होगा कि लाइसेंस प्रस्तुत करने के लिए समय दिया जाएगा, यदि समय अनुकूल तो लाइसेंस नहीं प्रस्तुत करता है तो उसके लिए हम लोग प्रोसिक्यूशन भेजेंगे कोर्ट में। तो ये गोंदा यातायात थाना प्रभारी को अभी सारी बातों सुन रहे थे कि हालांकि लोग लगातार देखा जा रहा है कि पुलिस से उलझ रहे हैं, हम ये बातें लगातार कह रहे हैं कि आप पुलिस से उलझे नहीं, आप उलझेंगे आपकी परेशानियां उतना ही बढ़ते जाएंगी। फिर भी इस पे क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। तो वहीं दूसरा खबर है, एक लड़की ट्यूशन पढ़ाने जा रही थी पहाड़ी मंदिर के समीप, एक मोटरसाइकिल पर सवार अपराधी लड़की का मोबाइल छीनकर भाग ही रहा था कि उसी क्रम में दूसरे से वो लड़की मदद मांगी और उस चोर का पीछा किया गया। हम आइए उस लड़की से जानते हैं। मेहरबानी होगा, ठीक ना सर? हो गया यहाँ भाई, इसमें क्या हो गया? ये मोबाइल जो है ना लेके भाग गया, ये जो है ना हम लोग चिल्ला रहे हैं, वो मोबाइल इसका छीन के भागा और स्कूटिया को इन लोग धरने की कोशिश किया, स्कूटी चोर अपना स्कूटी छोड़ के भाग गया। चोर का स्कूटी है, मोबाइल लेके भाग गया, स्कूटी छोड़ दिया। आप पैदल थी? नहीं, हम तो इसको लेके आए हैं, मतलब हम भी उधर जा रहे थे तो बोले मेरा फोन लेके भाग गया। कैसे कैसे मालूम चला कि उसका गाड़ी है? पीछा किया आप? तो लड़की बेचारी उधर से पहाड़ी मंदिर से आ रही थी, वो लड़का आया पीछे में, एक लड़का सवार इसके ऊपर झपट लिया। ये पैदल जा रही थी? हाँ पैदल जा रही थी। अच्छा, हम पीछे थे स्कूटी में अपना। अच्छा अच्छा, तो हमको लगा कि इसका कान का बाली उली नोच दिया क्या, फिर चिल्लाने लगी मेरा मोबाइल मोबाइल।
हमने इसका पीछा किया। इन लोगों ने यहाँ पे आके चौक में आके दोनों लड़का ने ना मोटरसाइकिल को उधर भगा दिया और लड़का खुद पैदल चल के यहाँ पे वाला स्कूटी में सवार हो गया। अच्छा, और हमने उसे पकड़ने का कोशिश किया तो उनके उन लोग ने जानलेवा हमला किया। आपको ही मारा? हाँ, वो चोर ने आपको मारा? उन लोगों पे किया, लेकिन उन लोग का स्कूटी अनबैलेंस हो गया जिस कारण से स्कूटी गिर गया और पकड़ा गया और लोग भाग, और वो मोबाइल लेकर भाग गया, दोनों भाग। लेकिन आपको मारा पहले वो? हाँ, पहले वो हाथ ऐसे किया आपका, लेकिन हमने उसको पकड़ लिया। चले भैया, दो मामला यहाँ पर हुआ जैसा कि अभी आपने। यही गाड़ी से कितना? दूसरी गाड़ी थी, वो गाड़ी को वहाँ पर लगाया, वो एक अंकल उसका पीछा किए तो वो गाड़ी वहाँ पर लगाया और वहाँ से स्कूटी चेंज करके भागा तो गिर गया। तो वो अंकल गाड़ी ने वो गाड़ी का पता नहीं कौन सा गाड़ी लगाया, तो हम तो देखे ही, हम तो लेट से आए। ये गाड़ी से वो भाग रहा था, ये गाड़ी से दोबारा चेंज करके भाग रहा था। ठीक, अभी चल हुआ ना पहाड़ी मंदिर के सामने वाला पेट्रोल है कि 16 है और आगे में 46 कर दिया गया है, कोई चार पड़ेगा उसको। नंबर कामे करना आपको तो करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, फोर्जरी वाला जो काम है आप देख सकते हैं, जो तस्वीर अभी आपको हम दिखा रहे हैं। सही नंबर वगैरह का जरूरी थोड़ी है। आप सर परिवार वाले हैं, क्या हुआ था? बच्ची मेरी ट्यूशन पढ़ा करके आ रही थी, उसके हाथ से मोबाइल छीन करके भागा है और जब वो उसके पीछे दौड़ी है तो एक अंकल उसके साथ में थे, वो अंकल इस गाड़ी को पकड़ करके सीज किया है, लड़का भाग गया है। गाड़ी पकड़ा गया है? जी सर, गाड़ी पकड़ा। और उसके बाद सुखदेव नगर थाना का यह घटना है, उस स्कूटी को जब्त कर लिया गया है कि उस गाड़ी में आगे नंबर कुछ और पीछे कुछ नंबर और, तो वह गाड़ी भी संदेह के घेरे में है कि वन को फोड़ किया गया है और पीछे जो ओरिजिनल नंबर है वह जस का तस है। तो अपराधियों के शातिर दिमाग होते हैं, तो वह दिखा पहुंचा हुआ अपराधी मालूम चल रहा है वो। खैर, इसके भी जांच की जा रही है पुलिस कर्मियों के द्वारा। बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। इटकी रोड में आईटीआई बस स्टैंड से पिस्का मोड़ के जाने के क्रम में एक फोर व्हीलर में कुछ लोग सवार थे, लेकिन उस गाड़ी को जो ड्राइव कर रहा व्यक्ति वो नशे में था और काफी नशे में था कि सड़क किनारे दोपहिये वाहन को ठोकर मारा, तो वहीं वह ड्राइवर नहीं रुका, आगे एक चारपहिये वाहन को भी ठोकर मारा। मामले को बिगड़ता देख उप चालक खुद स्टेयरिंग पकड़ लिया, उस व्यक्ति को साइड में उतार दिया। आइए सुनते हैं यहाँ पे फिर क्या हुआ। आप खड़ा गाड़ी था, आपको देखा नहीं कि गाड़ी खड़ा, उसमें मार दिया आप? पब्लिक यहाँ बोल रहा है, हम नहीं चला रहे। कौन चला रहा था? कहाँ गया ड्राइवर? ड्राइवर तो चल गया। ड्राइवर भाग गया? मार के भाग गया? गाड़ी क्यों चला रहा है? ड्राइवर भाग गया, गाड़ी तो खुद चला रहा है। अभी तो आप सीट, ड्राइवर सीट पर तो अभी आप थे। पीछे से मारा ना सर, यहाँ ये गाड़ी मारा ना, तो मतलब उसको भागने का मौका दे दिया, निकल जाओ तुम। आप ड्राइवर, आप ड्राइव कर रहे थे? आप खड़ा गाड़ी मार दिए? शराब पिया ना, देख रहे पूरा मुंह वहाँ करा, दारू पी। आप देख सकते हैं ये ओवर ड्रिंक किए हुए हैं, यहाँ तक इनका दारू का गंध आ रहा है, ये स्थिति है। तो लगातार हक पर इस पर तो पुलिस कार्रवाई होगी, पुलिस पहुँच चुकी है, वैसे भी पीसीआर को सूचना दे दिया गया है। ये पिस्का मोड़ घटना था, खड़ी गाड़ी में मारे हुए हैं, एक व्यक्ति इंजर हुए हैं और आ रहे हैं थोड़ी देर में अभी अपने। कहाँ है गाड़ी उनकी? आ रहा है। पीछे मारा है, मार के गाड़ी बचा रहे भैया। आप ड्रिंक लेकर ड्राइव क्यों कर रहे हैं? जी नहीं, हम टच भी नहीं किए गाड़ी को। अभी आपका ड्रिंक यहाँ तक महक रहा है, आप जो पिए हुए हैं धक्का, ये देख सकते हैं आप। सामने गाड़ी भी मारा है क्या? आप गाड़ी खड़ा किए हुए थे? गाड़ी खड़ा किए हुए थे, ये बात है, ये चीज हमने किया है, ये चीज हमने किया है, तो किया कैसे? हमने आप ड्रिंक लिए, दूरी रहो, आप दूरी बना के रखो, दारू किए हुए, ये तरीका सही नहीं ड्राइव करना। बैठा
चौड़ में गाड़ी को लगा है, यही गाड़ी खड़ा है, आपके भी गाड़ी को लगा है उसी गाड़ी से। अब आप सोच सकते हैं कितना वो नशे में थे कि तलमलाते हुए। कई गाड़ियों को नुकसान, एक व्यक्ति को चोट, गवाही जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सुनिए ना, तब तो जो होना था हम तो लेके जा रहा था थाना, मगर जब मैनेज कर लीजिए, बात करने करेंगे समझ, आप लोग आपस में मैनेज कीजिए, मैनेज कीजिए, ठीक है ना, मैं थाना लेके जाऊंगा। बस एक प्लान, हम लोग केस करेंगे, हमको पैरवी करना है, तुम पैरवी तुम पैरवी जब पैरवी करना है तो पैरवी करेगा, क्या करेंगे, क्या है मामला। मामला है कि जो है से ड्रिंक कर करके गाड़ी ऐसे चला रहा था और आगे से मोटरसाइकिल वाला ने जो है से मार दिया है, जो मोटरसाइकिल काफ़ी ऐसे नुकसान हो गई है और ये लोग जो है से आपस में मैनेज करने के लिए तैयार हैं। और हमने बोला जो है से कि ठीक है आप लोग आपस में मैनेज कर लेते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत हमको नहीं है, कोई इससे आपत्ति हमें नहीं है, आप लोग अपना मैनेज कर लीजिए, यही मामला है। नहीं मैनेज होगा तो ये लोग थाना लेकर के जाऊंगा, दोनों पार्टी को थाना लेकर के जाएंगे। दो गाड़ियों में ठोकर मारा है जी, दो गाड़ी में यही ठोकर मारा है और काफी ओवर नशे में है। हाँ काफी ऐसे ड्रिंक किए हुए है ये ड्राइवर। हाँ थैंक यू सर। तो वही आज खबरों की खबर में है खास, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 1 जुलाई के सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है, इसमें कोई भी फेर बदल नहीं किया गया है को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से आप लोग देखे होंगे कि इस बार लॉकडाउन के दिनों को हम लोग पार कर रहे थे, दूसरी लहर से हम गुजर रहे हैं, तीसरी लहर के भी आहट है और अभी भी खतरा टला नहीं है, इसको ध्यान में रखकर हम लोगों ने इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को मौजूदा जो वर्तमान स्थिति है इसको कुछ दिनों के लिए और भी आगे बढ़ाया है। आगे पूरी चीजों का आकलन करने के पश्चात क्या राज्य के लिए बेहतर निर्णय होगा उसको दिया जाएगा। देखिए आज पूरा दुनिया एक ऐसे संक्रमण से घिरा है जो आए दिन मानव जीवन के लिए एक चुनौती पैदा कर रहा है। इसमें हम सभी लोगों की यह दायित्व बनती है कि हमें अपने वैज्ञानिकों, अपने सरकार के निर्देशों को ध्यान से पालन करने की आवश्यकता है। तत्काल फिलहाल काफी सूझबूझ के साथ ही इस संक्रमण से जीता जा सकता है, उससे हम दूर रह सकते हैं। मेरा ये आग्रह निवेदन राज्यवासियों से है कि अभी भी खतरा टला नहीं है, आप खुद को सुरक्षित अपने कैसे करेंगे वो आपके हाथ में है, अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखेंगे ये आपके हाथ में है, और लोगों की जान कैसे बचे वो आपके हाथ में है। इसलिए सरकार द्वारा बताए गए सभी मार्गदर्शक निर्देशों का आप अपने जीवन में उसको मौजूदा समय के लिए बिल्कुल गार्ड बांध करके रखें और उसका अनुपालन करें।
तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम लेटेस्ट अपडेट के लिए। चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।